Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for my love and support. Guys, आज बात करने वाले हैं हम bicep muscle के बारे में और बात करेंगे उन mistakes की, उन गलतियों की, उन stupid गलतियों की जो आप लोग करते हैं जिसकी वजह से आपका bicep muscle का growth नहीं हो पा रहा है। बहुत बार मैंने समझाया है बायोमैकेनिक्स के बारे में, किस तरह से बाइसेप कर्ल्स किए जाते हैं, उनकी मिस्टेक्स के बारे में, मूवमेंट, टेक्निक, टेम्पो, सारी चीज़ें, पॉस्चर, एवरीथिंग। लेकिन आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो वाली गलतियाँ नहीं, बल्कि वो गलतियाँ हैं जो अलग तरीके से आप लगाते हैं, यानी कि वेरिएशन से रिलेटेड, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। तो आज इसके बारे में आपको मैं डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे ज़रूर फॉलो कीजिए। हमारा 1 मिनट फिटनेस वीडियो सीरीज चल रहा है जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। और मेरी लाइफ, बिजनेस और करियर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ, तो गाइस ज़रूर फॉलो कीजिए वहाँ पर इंस्टाग्राम पर। सो गाइस, पहली मिस्टेक जो आप करते हैं, बहुत ही कॉमन और बहुत ही स्टूपिड मिस्टेक, वो ये कि बहुत सारे वेरिएशंस लगाते हैं, यानी कि बहुत सारी एक्सरसाइजेस करते हैं बाइसेप वर्कआउट में। बाइसेप की अगर मैं बात करूं तो ये एक बहुत ही छोटा मसल है, बहुत ही स्मॉल मसल है, जो आपका सिर्फ उसका फंक्शन ये होता है कि आपके आर्म को, यानी कि फोर आर्म को सुपिनेट करना इस तरह से, और साथ ही साथ आपके एल्बो का फ्लेक्शन करना। तो इतना छोटा मसल है और इस छोटे मसल को हम 4-5 एक्सरसाइजेज इसकी लगाते हैं, 3-3, 4-4 सेट्स पर एक्सरसाइज लगाते हैं और वॉल्यूम हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है। इतनी ज़रूरत ही नहीं होती बाइसेप के मसल को हिट करने के लिए। तो गाइस, ये गलती जो है बहुत सारे लोग करते हैं आर्म के वर्कआउट में, 4-5 एक्सरसाइजेस करते हैं और इतनी ज़्यादा वॉल्यूम थ्रो करते हैं इस छोटे से मसल के लिए। तो इस छोटे से मसल को हिट करने के लिए सिर्फ आप 3 वेरिएशंस, यानी कि 3 एक्सरसाइजेस भी करेंगे तो भी इनफ होगा। वो क्यों मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि जितने भी हम कर्ल मूवमेंट करते हैं जिसमें भी हमारे एल्बो का फ्लेक्शन हो रहा है, उसमें बाइसेप हिट होती है। अब बाइसेप को ट्रेन करने के लिए आपको यही मूवमेंट करना पड़ेगा। बाइसेप ट्रेन करने के लिए आप कोई इस तरह का या इस तरह का मूवमेंट नहीं करेंगे, एल्बो का फ्लेक्शन ही होगा, कर्ल ही करना पड़ेगा, तब जाके आपका बाइसेप ट्रेन होगा। अब कर्ल भी आप कितने सारे वेरिएशंस लगाएंगे, आपने बाइसेप कर्ल्स बारबेल से कर लिया, फिर डंबल से कर लिया, फिर आपने हैमर कर्ल्स कर लिया, फिर उसके बाद आपने कॉन्सेंट्रेशन कर्ल्स कर लिया, केबल से कर लिया, सारे के सारे कर्ल मूवमेंट ही हैं। तो इतने सारे वेरिएशन लगाने की ज़रूरत नहीं होती जब हम बाइसेप के मसल को हिट करने की कोशिश करते हैं। स्पेसिफिकली जब हमारा ओरिजिनेशन देखेंगे, जब हम स्कैपुला से निकलता है और आपके एल्बो में अटैच होता है, इतना छोटा मसल, तो इसमें इतने ज़्यादा वेरिएशन करके हम कुछ नहीं, सिर्फ अपनी जो ग्रोथ है उसको हैम्पर कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं। तो समझिए इस चीज़ को, वेरिएशन 3 या 4 से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रखने हैं और सेट्स भी लिमिटेड रखने हैं उसमें। दूसरी स्टूपिड मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये है कि बाइसेप में बहुत हाई फ्रीक्वेंसी जाते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी से मेरा मतलब है कि हफ्ते में 3-4 बार बाइसेप को हिट करते हैं डायरेक्टली। तो गाइस, ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्मॉल मसल है, छोटा मसल है, इंसर्शन ओरिजिन के हिसाब से देखें तो बहुत छोटा मसल है, एरिया भी कम कवर करता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो कुछ लोग ये कहेंगे भाई छोटा मसल है तो जल्दी रिपेयर हो जाता है, 36-48 आवर्स के अंडर तो ज़्यादा हिट करना चाहिए और ज़्यादा हिट करेंगे तो ज़्यादा ग्रोथ होगी। लेकिन लॉजिक यहाँ पे ये कहता है कि बार बार हिट करने की कैपेबिलिटी अगर आप में है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की, तो उसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपका मसल भी ग्रो हो रहा है, राइट? एक हाइपरट्रॉफी क्रिएट करने के लिए, मसल साइज गेन करने के लिए, आपका जो मसल तोड़ा था आपने, जब वो रिपेयर हो तो उसमें स्ट्रेंथ और मसल साइज बढ़ना चाहिए। सिर्फ रिपेयर करना आपका गोल नहीं है, रिपेयर तो वो 36-48 आवर्स में हो जाएगा इजीली, लेकिन उसी इंटेंसिटी से ट्रेन करने के लिए और साथ ही साथ बड़ा मसल ग्रो करने के लिए, प्रोग्रेसिव ओवरलोड को बढ़ाने के लिए हमें मसल में स्ट्रेंथ और जो मसल फाइबर्स हैं वो ज़्यादा आपके होने चाहिए। अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड को मैंने पहले भी आपको समझाया है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड का सही मतलब ये होता है कि आप अपने बॉडी में जो ट्रेनिंग स्ट्रेस है उसको वीक बाय वीक या मंथ बाय मंथ बढ़ाएं। तो वो तभी होगा जब आपका मसल सिर्फ रिपेयर नहीं, रिपेयर होने के साथ साथ बड़ा और उसके साथ साथ स्ट्रांग भी बन रहा है। करने के लिए हम बाइसेप का वर्कआउट 3-4 दिन भी कर सकते हैं, रिपेयर हो जाएगा वो, लेकिन क्या वो इफेक्टिवनेस आएगी, क्या वो रिपेयर होने के बाद इतना स्ट्रांग होगा कि हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर पाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सो ऐसा करने के लिए आपकी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा कम करते हुए हफ्ते में 2 दिन ट्रेन करें या फिर मैक्सिमम 3 दिन ट्रेन करें, दैट्स इट। क्योंकि ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि डायरेक्ट हिट जब हम बाइसेप का करते हैं तो उसके साथ साथ
दूसरे दिन जब हम पुल वर्कआउट्स कर रहे हैं, जैसे कि आप पुलअप्स कर रहे हैं या रोज कर रहे हैं या डेडलिफ्ट्स कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका बाइसेप वर्क हो रहा है। एनी कर्व मूवमेंट जब एल्बो फ्लेक्स होगा तो बाइसेप आपका काम करेगा। सो डायरेक्ट हिट आपका दो दिन अगर आप करते हैं, बाकी के दिन आप बैक के मूवमेंट्स में, डेडलिफ्ट के मूवमेंट्स में ये हिट हो रही है, इनफ होगा। तो समझिए, फ्रीक्वेंसी को इतना ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना है कि आपकी जो ग्रोथ है, हाइपरट्रॉफी है, जो गोल है मसल साइज बढ़ाना, वो आपका हैम्पर हो। अब तीसरी स्टूपिड मिस्टेक यहाँ पे ये आती है कि बहुत ही ज़्यादा हैवी वेट का इस्तेमाल करना बाइसेप मूवमेंट में। अब समझिए कि मैं हमेशा ऐसे कहता हूँ कि किसी भी मसल को हिट करने के लिए, किसी मसल को ग्रो करने के लिए ब्लंट फोर्स ट्रॉमा चाहिए होता है हैवी वेट का, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब हम बाइसेप्स की बात करते हैं तो बाइसेप के ज़्यादातर मूवमेंट्स, ऑलमोस्ट सारे मूवमेंट्स आइसोलेशन मूवमेंट्स हैं, यानी कि वन जॉइंट मूवमेंट। कर्लिंग आप कर रहे हैं, वन जॉइंट मूवमेंट। किसी भी तरह का बाइसेप, बारबेल, केबल, कोई भी कर्ल, वन जॉइंट मूवमेंट, उसी में आपका बाइसेप हिट होगा। अब जब हम हैवी वेट लगाते हैं तो आइसोलेशन मूवमेंट होने की वजह से, वन जॉइंट मूवमेंट होने की वजह से, उतने हैवी वेट का जो प्रेशर है वो दूसरे जॉइंट्स में भी ट्रांसफर हो जाता है, जैसे कि रिस्ट, एल्बो में तो है ही, जैसे कि शोल्डर जॉइंट। तो उससे इंजरी के चांसेस बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग जो हैवी ट्रेन करते हैं उनकी रिस्ट में प्रॉब्लम रहती है जब वो बाइसेप कर्ल्स लगा रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव्स में आपका फोरआर्म ही होल्ड कर रहा है, आपके रिस्ट ही आपकी उस वेट को हैंडल कर रही है। तो बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत रहती है। अब समझिए कि सही तरीके से आप कैसे इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं और हाइपरट्रॉफी, जो आपका गोल है मसल साइज, वो कैसे अचीव करना है। तो कभी भी आपको इतना ज़्यादा हैवी वेट नहीं जाना है कि आपके 5 से भी कम रेपिटेशन के लिए आप एम कर रहे हो। 3-4 रेपिटेशन, वो 4 रैप मैक्स, 3 रैप मैक्स, 1 रैप मैक्स टेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको बाइसेप कर्ल्स के मूवमेंट में। आइसोलेशन मूवमेंट, छोटा मूवमेंट है आपका, छोटा मसल है, कोई ज़रूरत नहीं है। हाइपरट्रॉफी रेंज में रहेंगे अगर हम 8 रेपिटेशन, 6 रेपिटेशन, 12 रेपिटेशन तक जाएंगे, 15 रेपिटेशन तक जाएंगे, तब भी ठीक होगा। तो समझना है हमें अपने वर्कआउट को इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि इंजरी ना हो, और उस मसल को हिट करने का इफेक्टिव तरीका ढूंढना है, इफेक्टिव वे ढूंढना है। तो गाइस, जब इन सारी मिस्टेक से आप बच के चलेंगे तब जाके आपका बाइसेप का प्रॉपर ग्रोथ होगा। और राइट गाइस, तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर आप हिट करें थम्स अप बटन को एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टेक केयर। ऑल्सो फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, वहाँ पर ज़रूर फॉलो कीजिए। हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको वहाँ पर शेयर करता हूँ, तो प्लीज़ वहाँ पर फॉलो कीजिए एंड टेक केयर। बाय बाय।